अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है। हमारा आज का टॉपिक है कल्चर एंड सोशलाइजेशन। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कल्चर को समझते हुए आए हैं। हमें कल्चर की पूरी समझ आ गई कि कल्चर बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सोशलाइजेशन क्या है और सोशलाइजेशन के थ्रू हम कल्चर को किस तरह से लर्न करते हैं। सोशलाइजेशन, मैक्यूनिस की डेफिनेशन देखते हैं। सोशलाइजेशन इज़ द लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस थ्रू विच वी डिवेलप अवर ह्यूमन पोटेंशियल एंड लर्न कल्चर। मैक्यूनिस कहते हैं सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी ज़िंदगी में चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है टिल डेथ। ठीक है, यानी जब तक हम मर नहीं जाते हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और इस प्रोसेस के ज़रिए से हम अपना पोटेंशियल डेवलप कर रहे होते हैं और कल्चर को सीख रहे होते हैं। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच पीपल आर टॉट टू प्रोफिशिएंट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। इट डिस्क्राइब द वेज दैट पीपल कम टू अंडरस्टैंड सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, टू एक्सेप्ट सोसाइटीज बिलीव्स एंड टू बी अवेयर ऑफ सोसाइटल वैल्यूज़। ठीक है, सोशलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम अपने सोसाइटी के जो लोग हैं, जो अफराद हैं, उनको सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से सोसाइटी का मेंबर बनना है। ये आपको बताता है कि आपने किस तरीके से अपने सोसाइटल नॉर्म्स को, एक्सपेक्टेशंस को, और जो सोसाइटी के जो बिलीव्स हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं, उन सबको डिस्क्राइब करता है और हमें सोसाइटल वैल्यूज़ के बारे में आगाही फराहम करता है। हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी के क्या क्या वैल्यूज़ हैं और वो हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट करती है, किस तरीके से हमें कब बिहेव करना है और किस जगह किस तरीके से अपना एटीट्यूड हमें देखना है या डिस्प्ले करना है। जो ट्रेट्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे कल्चरली डिफाइन किए गए हैं और वो हर कल्चर के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हर सोसाइटी का अपना कल्चर है और उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी उनके डिफरेंट होते हैं। अच्छा, सोशलाइजेशन इज नॉन एज द प्रोसेस of inducting the individual into the social world. It is the means by which human infants begin to acquire skills necessary to perform as functioning members of their society. यानी सोशलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम अपने इंडिविजुअल को सोशल वर्ल्ड में एंटर कर देते हैं। ठीक है, और कोई भी जो इंसान होता है, यानी जब बेबी बॉर्न होता है तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो स्किल्स हैं वो सीखता है इस सोशलाइजेशन के ज़रिए से, और वो एक प्रोफेशनल मेंबर बनता है सोसाइटी का। मतलब हमारे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको किस तरीके से पता चलता है, थ्रू सोशलाइजेशन वो अपना कल्चर सीखते हैं। ठीक है, अडॉप्ट करते हैं और उस वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को लर्न करते हैं एंड देन उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। तो सोशलाइजेशन क्या है, किसी भी इंडिविजुअल को सोशल वर्ल्ड में एंटर करने का एक प्रोसेस है। The term socialization refers to the process of interaction through which the growing individual learns the habits, attitude, values and beliefs of the social groups into which he has born. Socialization की जो term है इसको हम कहते हैं कि ये interaction का process है। ठीक है, for example एक बच्चा पैदा होता है Asian society में। ठीक है, अब वो इस group में आ गया, पैदा हो गया, अब उसको कैसे पता लगेगा कि मैं किस तरीके से बात करूं, किस तरीके से खाऊं पीऊं, क्या खाऊं पीऊं, किस तरीके से मेरा उठना बैठना हो, मेरा लिबास किस तरीके का हो, मेरे बात करना किस तरीके का हो कि सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करे। तो ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है इसको प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन कहते हैं। यानी जब वो इंटरेक्ट करता है अपने पेरेंट के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने स्कूल के ज़रिए से, फैमिली हो गया, एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के, यानी फैमिली हो गया, पीयर ग्रुप हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, आपका मीडिया हो गया, ये आपके बच्चे को सिखाते हैं कि भाई आपसे सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कौन सी वैल्यूज़ आपने सीखनी है, कौन से हैबिट्स आपको लर्न करनी है, कौन से बिलीव्स हैं जो जिस सोशल ग्रुप में आप पैदा हुए हो वो इन बिलीव्स को फॉलो करते हैं, तो आपने वो वाले बिलीव्स सीखने हैं और अकॉर्डिंग टू दोज बिलीव्स एंड दोज वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स आपको सोसाइटी में
बिहेव करना है।